अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक रिले के बारे में। तो मेरे पास ये एक EOCR रिले है, इसको हम एक EOCR रिले कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड करंट रिले। तो इस रिले को किसी भी मोटर की प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसको हम सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों सप्लाई पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। तो सबसे पहले आप टॉप पे देखिए, तो यहाँ पे एक पावर LED है, उसके बाद एक ट्रिप LED है, यानी कि अगर आपकी रिले जब ट्रिप करेगी तो ये वाली LED ऑन हो जाएगी। तो ये वाली जो ग्रीन लाइट है ये पावर की LED है। तो यहाँ पे आप देखें कि एक सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है D टाइम और छोटा सा S लिखा हुआ है, यानी कि ये टाइम जो है ये सेकंड के हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं इस सिलेक्टर स्विच के जरिए। तो D टाइम का मतलब होता है डिले टाइम, यानी कि अगर आप अपनी मोटर से 6.5 या कोई भी रेंज का आप करंट गुजार रहे हैं, उस रेंज से जब करंट ज्यादा हो जाता है तो आपकी मोटर कितने सेकंड के बाद आपकी रिले जो है वो ट्रिप करेगी, तो उस टाइम की जो सेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं डिले टाइम से। उसके बाद एक फीचर आता है, यहाँ पे सिलेक्टर स्विच है लोड का, तो उसके आगे छोटा सा लिखा हुआ है A, इसका मतलब होता है एम्पेयर। तो यहाँ से आप अपनी मोटर के एम्पेयर को सेट कर सकते हैं कि आपकी मोटर जो है वो कितने एम्पेयर कंज्यूम करती है, उसी के हिसाब से आप यहाँ से उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मोटर जो है वो 5 एम्पेयर या 6 या 6.5 एम्पेयर लेती है, तो आप इस सिलेक्टर स्विच को 6.5 एम्पेयर पर या 5 या जो भी आपकी मोटर की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप यहाँ पे उसको सेट कर देंगे। उसके बाद आता है ओ टाइम। ओ टाइम का मतलब होता है ओपन सर्किट टाइम, इसको भी आप सेकंड के हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छोटा सा इसके पास S लिखा हुआ है, यानी कि इसको भी आप सेकंड में कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी मोटर जो है वो ज्यादा एम्पेयर की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से ट्रिप कर जाए, तो उसके बाद ये जो रिले है ये कितनी देर के लिए ओपन सर्किट रहेगी, यानी कि कितनी देर तक आप इसको दोबारा से ऑपरेट नहीं करवा सकते। अगर आप इसको ऑन भी करेंगे तो ये ऑन नहीं होगी, यानी कि इसका जो अंदर सर्किट है वो कितनी देर तक ओपन रहेगा उसको आप यहाँ से 1, 3, 5, 8 और 10 सेकंड तक आप इसको लगा सकते हैं। तो इसके नीचे एक फीचर है रीसेट का, जहाँ पे R लिखा हुआ है, तो R के नीचे बेसिकली एक बटन है, इसको दबाने से आप अपनी रिले को रीसेट कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो टेस्ट का ऑप्शन है, इसको आप दबाएंगे तो आपकी रिले जो है ट्रिप कर जाएगी, यानी कि आप इसको टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे A1 और A2 लिखा हुआ है, इनके दरमियान में एक छोटा सा सिंबल बना हुआ है, इसको हम AC सप्लाई का सिंबल कहते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी 220 वोल्ट की AC सप्लाई को देंगे इन दोनों में, न्यूट्रल और फेज को। और यहाँ पे 95, 96 और 98 पॉइंट है। 95 जो है ये 96 और 98 के लिए कॉमन यूज होता है, तो इस वक्त 95 और 96 क्लोज पॉइंट है और 95 और 98 जो है ये ओपन पॉइंट है। तो यहाँ पे आप अपनी सप्लाई लगा के आप अपनी मोटर को या किसी कॉन्टेक्टर को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे दो ये जो बने हुए हैं इसको हम CT कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर। तो आपने अपनी जो थ्री फेज की मोटर को जो सप्लाई देनी है उसकी जो वायर्स है, दो वायर्स आपने यहाँ से गुजारनी है। इससे होगा ये कि ये एक करंट ट्रांसफार्मर है जो कि आपकी मोटर के अंदर जाने वाले एम्पेयर को काउंट करेगा, और काउंट करने के बाद वो यहाँ पे इसके अंदर जो मैसेज देगा कि आपकी मोटर में इतने एम्पेयर गुजर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से ये जो रिले है ये फंक्शन को परफॉर्म करेगी। यानी कि थ्री फेज की जो दो वायर्स हैं जो कि आप कॉन्टेक्टर या रिले में लगाना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप गुजार के लगाएंगे, ताकि ये जो CTs है करंट ट्रांसफार्मर जो है ये उन एम्पेयर को काउंट करके इस रिले को बताएं कि इतना एम्पेयर जो है वो मोटर से गुजर रहा है। जब भी वो एम्पेयर जो है वो 6.5 या 5 या जो भी आपने सिलेक्शन की होगी उस रेंज से जब वो ज्यादा होंगे तो फौरी तौर पे रिले जो है वो ट्रिप कर जाएगी। इसके अलावा आप बैक साइड पे इसकी डायग्राम देख सकते हैं, जैसा कि L1, L2 और L3, और यहाँ से मेन लाइन की सप्लाई आ रही है, और नीचे इन्होंने एक MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर लगा दिया है, और यहाँ पे एक कॉइल दी है। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने सप्लाई के दौरान 98 पॉइंट को कॉमन रखा हुआ है, जो पहले मैंने आपको बताया था कॉमन 95 है,
अब जब सप्लाई ऑन हो जाएगी तो ये 98 कॉमन हो जाएगा। तो फिलहाल यही था इस रिले के बारे में ओवरव्यू। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।